हाँ जी दोस्तों, सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी एफ सीरीज का नया स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी F13 फाइनली इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। एंड सैमसंग गैलेक्सी एफ सीरीज का स्मार्टफोन है। एंड गैलेक्सी एफ में जो एफ रहता है वो फ्लिपकार्ट का एफ रहता है भाई, मतलब ये जो स्मार्टफोन है फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव रहने वाला है। डिसेंट स्पेसिफिकेशंस के साथ में लॉन्च किया गया है, डिसेंट प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया गया है। कुछ अच्छी चीजें यहां पर आपको मिलती है, कुछ खराब चीजें यहां पर आपको मिलती है। सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्या क्या स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, क्या कुछ फीचर्स दिए गए हैं, किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हुआ है, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या खराब चीजें हैं, एंड क्या ये स्मार्टफोन आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, सारी चीज डिस्कस करेंगे। बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हैं और लाइक टारगेट रखते मात्र 700 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई बातचीत को, लेकिन बातचीत को स्टार्ट करने के पहले अपने मन की बात और आपके काम की बात कर लेते हैं। चैनल के ऊपर 2 एक्टिव गिव अवेज चल रहे हैं। अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, गिव अवे में भाग लेना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे दोनों वीडियोस के। दोनों गिव अवेज पर जाकर के आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ चार्ज है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस का लिंक मिलेगा, जाकर के जरूर से चेकआउट करना, वीडियोस को पूरा देखना एंड गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर से कर लेना। बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी F13 के बारे में और स्टार्ट करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से। तो बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको अच्छी दी गई है, हालांकि प्लास्टिक बिल्ड है लेकिन अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक मिलता है। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, ग्लास फ्रंट है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। सो बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको सही मिलती है, बिल्ड क्वालिटी में शिकायत आपको नहीं आएगी। एंड डिजाइन की बात करें तो मेरे हिसाब से प्राइस सेगमेंट को देखते हुए गुड लुकिंग स्मार्टफोन है। एटलीस्ट बैक पैनल से तो काफी एलिगेंट लगता है भाई। बैक पैनल में टॉप लेफ्ट में आपको रेक्टेंगल शेप कैमरा सेटअप दिया गया, जहां पर 3 कैमरास की हाउसिंग है, साथ ही में LED फ्लैश मिलता है। पीछे की तरफ आपको सैमसंग की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। एंड फ्रंट में अगर देखा जाए तो वाटर ड्रॉप नॉच दी गई है, इन्फिनिटी वी डिस्प्ले मिलता है, पतले पतले से बेजल्स हैं, पतली सी चेन आपको देखने के लिए मिलती है। एंड कलर्स की बात करेंगे तो ब्लू कलर में, कॉपर कलर में एंड ग्रीन कलर में, 3 कलर्स में आपको स्मार्टफोन मिलता है। दिखने में स्मार्टफोन बहुत अच्छा है, सीरियसली गुड लुकिंग स्मार्टफोन है। बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, सो बिल्ड एंड डिजाइन में आपको शिकायत नहीं आने वाली है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.6 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है एंड LCD पैनल दिया गया है। लेकिन शायद यहां पर आपको IPS LCD पैनल नहीं दिया गया है। फ्लिपकार्ट पर जो प्रोडक्ट लिस्ट हुआ है वहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि यहां पर आपको PLS LCD पैनल मिलता है। एंड PLS LCD पैनल जो है IPS के कंपैरिजन में थोड़ा सा ब्राइटर होता है भाई, थोड़ा सा ज्यादा चमकीला होता है, 15% ब्राइटनेस ज्यादा रहती है, व्यूइंग एंगल्स थोड़े से और बेटर रहते हैं, तो IPS के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर डिस्प्ले यहां पर दिया गया है, ये काफी अच्छी बात है। 6.6 इंचेस का डिस्प्ले है, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन है, PLS LCD पैनल आपको मिलता है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशो, 401 PPI की पिक्सल डेंसिटी दी गई है। सो कंटेंट वॉचिंग के लिए जो डिस्प्ले है वो डिसेंट रहने वाला है। एंड ब्राइटनेस की अगर बात करेंगे तो 600 nits के आसपास आपको पीक ब्राइटनेस मिलेगी। इंडोर विजिबिलिटी, आउटडोर विजिबिलिटी दोनों बढ़िया रहेगी, वहां पर शिकायत आपको नहीं आएगी। एंड साथ ही साथ रिफ्रेश रेट की अगर बात करें तो नॉर्मल रिफ्रेश रेट यहां पर आपको मिलता है, हायर रिफ्रेश रेट नहीं दिया गया है, 60Hz का नॉर्मल रिफ्रेश रेट आपको मिलता है। सो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी कंटेंट वॉचिंग के लिए अच्छी है, लेकिन गेमिंग के लिए उतनी बेटर नहीं है, उतनी ज्यादा स्मूथनेस आपको फील नहीं होगी। लेकिन फिर भी प्राइस सेगमेंट के हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, और सबसे अच्छी बात कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन दिया गया है। परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो इस फोन को शक्ति प्रदान करता है सैमसंग का इन हाउस बनाया हुआ एक्सेनस 850 प्रोसेसर, और 850 जो प्रोसेसर है 8 नैनोमीटर पर बना हुआ प्रोसेसर है, तो एनर्जी एफिशिएंसी तो आपको अच्छी मिलेगी भाई, हीटिंग का इशू भी आपको काफी कम मिलेगा, थर्मल मैनेजमेंट फोन का बढ़िया रहने वाला है, वहां पर शिकायत आपको नहीं आएगी। सीपीयू परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो यहां पर आपको बिग लिटिल अप्रोच नहीं मिलती है, यहां पर आपको लिटिल लिटिल अप्रोच मिलती है, 4 A55 वाले कोर्स आपको मिलते हैं 2.0 GHz पर। सो यहां पर जो डे टू डे की परफॉर्मेंस है वो आपको डिसेंट मिल जाएगी। एंड गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए आर्म माली G52 MC1 GPU मिलता है, जो कि सिंगल कोर GPU है। सबवे सर्फर खिला देगा आपको, कैंडी क्रश खिला देगा, टेम्पल रन खिला देगा। BGMI अगर आप खेलेंगे तो थोड़ा सा स्टटर्स आप फील करेंगे, गेमिंग का एक्सपीरियंस आपका उतना बेटर नहीं रहेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ में LPDDR4X RAM दी गई है,
एंड EMMC 5.1 वाला स्टोरेज मिलता है। सो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो परफॉर्मेंस यहां पर आपको डिसेंट मिलने वाली है। एंड एक एवरेज परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मीडियाटेक हीलियो G37 और मीडियाटेक हीलियो G70 इनके बीच का कहीं का प्रोसेसर है, तो आप समझ सकते हैं भाई कि परफॉर्मेंस आपको कैसी मिलने वाली है। कैमरास की अगर बात करेंगे तो 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है। प्राइमरी कैमरा अच्छा है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, आउटपुट भी बढ़िया निकाल देगा। लेकिन साथ ही में 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है जो कि थोड़ा सा वीक है, एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है। 3 कैमरास पीछे की तरफ दिए गए हैं। कैमरा मॉड्यूल डिसेंट है, कैमरा आउटपुट अच्छे निकल के आने चाहिए, एक्सपेक्टेशंस तो है एटलीस्ट हमारी। सो रियर कैमरा से आपको शिकायत नहीं आएगी, 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 fps पर। एंड फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा दिया गया है, एंड सेल्फी कैमरा से आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 fps पर। ओवरऑल अगर देखा जाए कैमरा सेटअप यहां पर आपको बढ़िया मिलता है, कैमरा सेटअप में आपको शिकायत नहीं आने वाली है। बैटरी की अगर बात करेंगे तो बैटरी नहीं दी गई है भाई, यहां पर आपको मिलता है 6000 mAh का बैटरा। जी हां, 6000 mAh का बैटरा दिया गया है, तो बैकअप आपको अच्छा मिल जाएगा। और बैकअप अच्छा मिलने का कारण क्या है कि यहां पर आपको PLS LCD दिया गया है नॉर्मल रिफ्रेश रेट के साथ में। उसी के साथ में आपको 8 नैनोमीटर का चिपसेट मिलता है और 6000 mAh का बैटरा दिया गया है, मतलब बैकअप तो आपको सॉलिड मिल ही जाएगा, एक दिन सवा दिन का बैकअप आपको इजीली मिल जाएगा। 15 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करेगा। अब इसको फास्ट चार्जिंग तो बोल ही नहीं सकते, इसलिए 15 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करेगा। फास्ट चार्जिंग मतलब भाई साहब 33, 67, 44 ये होता है 15 वॉट का ही की फास्ट चार्जिंग। सो 15 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। और अच्छी बात ये है, अकॉर्डिंग टू फ्लिपकार्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, ट्रेवल एडाप्टर बॉक्स में दिया गया है, ये काफी अच्छी बात है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैटरी मॉड्यूल में आपको शिकायत नहीं आने वाली है, लेकिन चार्ज करने में आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। 15 वॉट का छोटू चार्जर, 6000 mAh का बड़ा बैटरा, चार्जिंग में आपको 3-3.5 घंटे लग जाएंगे भाई, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओवरनाइट चार्ज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट दिया गया है, हमारा प्यारा दुलारा 3.5 mm जैक दिया गया है। साथ ही में बात करेंगे सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की, तो यहां पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिलेगा, छूटर पोटर इधर उधर के सारे सेंसर मिलेंगे, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, लाइट सेंसर, कंपास, सारे सेंसर मिलेंगे, सेंसर में कमी आपको नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी की अगर बात करेंगे तो नॉक्स की सिक्योरिटी भी यहां पर आपको मिल जाती है, लेकिन सॉफ्टवेयर वाली, हार्डवेयर वाली शायद यहां पर आपको नहीं मिलती है। सॉफ्टवेयर की अगर बात करेंगे तो एंड्रॉइड 12 के ऊपर आपको फोन दिया गया है आउट ऑफ द बॉक्स। साथ ही में मिलता है One UI 4.1 कोर, यस, फुल फ्लेज नहीं दिया गया है, कोर दिया गया है। एंड यहां पर आपको नॉक्स की सिक्योरिटी मिल जाती है, जैसा मैंने आपको बोला कि हार्डवेयर वाली नहीं मिलती है, सॉफ्टवेयर वाली मिलती है, लेकिन सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस आपका बढ़िया रहेगा। स्पीकर्स की अगर बात करेंगे, सिंगल बॉटम फाइनिंग स्पीकर्स मिलते हैं, ऑडियो क्वालिटी डिसेंट रहने वाली है, लाउड इनफ रहेगी, लेकिन स्टीरियो वाला मजा तो भाई अलग ही होता है, वो मजा यहां पर आपको नहीं मिलेगा। एंड कार्ड स्लॉट की अगर बात करेंगे तो डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट दिया गया है, जहां पर 2 सिम कार्ड आप लगा सकते हैं, साथ ही में मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। एंड मेमोरी कार्ड लगा करके अपनी स्टोरेज को 1 TB तक आप एक्सपैंड कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन अगर देखा जाए तो स्पेसिफिकेशन अच्छे हैं, स्पेशली डिस्प्ले अच्छा दिया गया है, डिसेंट परफॉर्मेंस है, प्राइमरी कैमरा अच्छा है, सेल्फी कैमरा डिसेंट है, एंड बैटरी मॉड्यूल काफी अच्छा है, तो एक डिसेंट स्मार्टफोन हम इसको बोल सकते हैं। एंड वेरियंट्स की बात करेंगे तो 2 वेरियंट्स में लॉन्च किया गया है, 4GB+64GB, 6GB+128GB, एंड 4+64 का जो प्राइस रखा गया है वो है 11,999 rupees, लेकिन इंट्रोडक्टरी ऑफर में ये फोन आपको मिल जाएगा 10,999 rupees में, 11,000 में ये फोन मिलेगा ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड ऑफ के साथ में, 11,000 के प्राइस पॉइंट पर विथ ट्रैवल चार्जर इन बॉक्स। ये जो स्मार्टफोन है मेरे हिसाब से एक डिसेंट स्मार्टफोन है, अगर आप सैमसंग के फैन हैं इस फोन की तरफ देख सकते हैं। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपकी क्या राय है फोन के बारे में, कैसा है स्मार्टफोन, कैसे हैं स्पेसिफिकेशंस, क्या आप खरीदना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।